करने का भी रचना है। लकी लकी सभी तेरा छवि, भगवान को देख कर क्या कह रहे हैं मनीष साहब? लकी लकी सभी तेरा छवि, आज मेरी नेत्र खोई खोई निज निज पाई। ये क्या कमाल है, उन्हें देख अपनी निधि पाई, उन्हें देख करके अपनी निधि कैसे पाई? तुम्हें देख कर मैं अब क्या, तुम्हें देख कर अब तो मैंने निज को निज से जान के, तुम्हें देख कर अब तो मैंने निज को निज से जान के, निज का सा सत वैभव पाया आपा स्वयं पहचान के, आपा स्वयं पहचान के, पर आश्रय के सब दुख बिन से आज में जीने दा, आज में जीने दा। यानी कि तो तीन लाइन है, सीधा सीधा समझता है। तुझसी ही प्रभुता के मुझ में आज स्वयं ही देखा दे, आत्म के आश्रय से जिनवर मिटे कर्म की रेखा दे, सर्व संकल्प विकल्प रहित हो निज जाऊं जीने दा, निज जाऊं जीने दा। अभी सब तो प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मैं सब कैसे कहूँ साहब? ईमानदारी से आपको बार बार उसी एंगल से जो आपको प्रश्न है उसी एंगल से सुनना पिछले प्रश्न, उसमें सब कह दिया, कुछ बाकी नहीं रहा। फिर भी कहते फिर भी कहेंगे गलत दस्तान से शुरू कर, आपको दो चार जगह चेक कराने पर ये मालूम पड़े क्या ऐसा है, तो क्या होगा सोच रहे, कैसी घबराहट होगी, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे दुकान छोड़नी पड़ेगी, बच्चों का स्कूल का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, मम्मी पापा का, कितने सारे क्वेश्चंस खड़े होंगे, सोचे कितने बच्चे खड़े होंगे, हर एंगल से दुखी 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 हो जाता हुआ। अभी सोच कि अपने इस संसार में जाते हो, एक डॉक्टर तो लोकल भी ऐसे ही है, बॉम्बे में चेक करा, बॉम्बे में चेक कराया तो ये कुछ भी नहीं है, तो कितना आनंद आया वैसे इस समय, कितना आनंद आया, कितना रिलैक्स हो गया, क्या किया जिससे रिलैक्स हो गया? केवल सम्यक ज्ञान, सच्ची बात मालूम पड़ गई, रिलैक्स हो। अभी आप फिर कह रहे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, मैंने इंडिविजुअल की कह रहा हूँ भाई, अब क्या करें भाई, आप इधर से देखते हो, इधर से नहीं देखते, उस आत्मा को देखो जो दूर है, उस आत्मा को देखो जिसमें कोई सुवाई नहीं, सदा ही है न होता न जिसमें कुछ भी होता भी। एक सुशीला श्री के ब्रह्मचारिणी पहले साध्वी थी, श्वेतांबर साध्वी थी, जो स्वामी जी के बाद उन्होंने परिवर्तन किया, स्वामी में रहते थे, तीनों पहले साध्वी थी सगी में, तीनों ने परिवर्तन कर दिया, स्वामी में रहते थे, एक बहन अभी भी है। तो वो कैसे कहते थे, एक बार तो इसे कोट के अंदर उतार के टांग दे, फिर सोच इसको बॉडी को एक बार कोट की तरह उतार के टांग दे, टांग दे सोच, फिर तू बोल आत्मा में क्या कमी, उस आत्मा में कमी कैसे हो सकती है जिसमें से सम्यक दर्शन आने के लिए सदा तैयार है।
सम्यक ज्ञान आने के लिए तैयार है, सम्यक चैत आने के लिए तैयार है, केवल ज्ञान आने के लिए तैयार है, अनंत आनंद आने के लिए सदा तैयार है। जो कभी लेजी नहीं हुआ, जो कभी पंचर नहीं हुआ, तो आत्मा तुझे कम क्यों लगता है? युवती बाबू ने लिखा, जन भर निद्रा को पी, मिथ्या मन को धो देता, एकदम समुद्र हो जाता है। क्षण भर पी, बस क्षण भर पी को धोता तो पराशर अकपड़ा दिन लाए। पर आश्रय के सब दुख बिन से आज ने जीनेन्द्रा। पराश्रय की तो कैसे समझाऊंगा आपको? आप सब दुखी हो, आपको परिचय है दुख का। पत्नी के आश्रय, बच्चों के आश्रय, माँ के आश्रय, सास ससुर के आश्रय, नौकरों के आश्रय, सब दुखी है। अंबानी भयंकर दुखी है, ऐसे कहते मनी जान अंबानी पैसा बहुत है, तो पैसा बहुत है, तो पैसा पर है वो नंबर एक क्रेडिट बनाए रखने के लिए भयंकर दुखी रहता है। दिन रात मार्केट में नजर रखता है, लाखों करोड़ों को इस बात पे देता है, नजर रखो कौन सी कंपनी क्या कर रही है, उसकी कंपनी कितनी, बॉस की संपत्ति है कितनी कितनी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है, उसकी रेटिंग देखो, भला देखो, क्यों इतनी बात के लिए भाई भी अच्छा। जितने लोगों के पास कार होती है ना, ड्राइवर होता है, तो सबसे पहला सम्मान समारोह यहीं से शुरू होता है। तू कहाँ भर गया, कहाँ चला गया, कितनी देर हुई, तुझे तो भरने नहीं गलत के ना है ना स्वामी बुद्ध कैसे कास्ट सुबह चार बजे जाना है, शाम को दस बजे चटाते उसको भाई, देख चार बजे सार सार तू जल्दी जाके सो जाना। फिर भी वो कहता है साहब आप उस चार बजे रिंग कर देना, मैंने आपकी जिम्मेदारी है रिंग कर देने की। आप ड्राइवर को ज्यादा डांटने में भी डर लगता है कि अब ज्यादा डांटो तो सबसे पहले गाड़ी ठोक देगी, अब क्या कर लो यार, मैंने भुगतना नहीं है केवल 15 दिन, मैंने मेरे पीछे बहुत बढ़ गया बर्तन वाली भाई रखना अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम है और बर्तन मांगते हो अच्छा नहीं लगता, झाड़ू पोछा करते हो भाई रख लो, नहीं माने तो पड़ोस में आके फिर उसी को रख दिया, मेरे मना करने को भी लगते चल ठीक है देखो। 15 दिन बर्तन बिलकते रहे, अगले दिन भी आएगी नहीं आएगी ये ठिकाने। मैंने इस समय किसी का स्वराज है तो बर्तन वाली का, मैंने उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई साहब दुर्लभ इसके प्रति भी पराधीन नहीं, इसे चलना तो चल, भोजन मिलना तो मिल, नहीं मिलना तो मत मिल, नौ नखरे के साथ भोजन करेंगे, नौ नखरे समझ गए, मत कर छूटे छूटे कल छूटता तो आज छूटे हमारा क्या है, लेकिन इस देह को जान जाते हो तो परमाणु मिलने मिलेंगे नहीं मिलना नहीं मिलेगा। 13 महीने 9 दिन तक झुके नहीं, इसका नाम है स्वाश्रित। पर आश्रय के सब दुख बिन से सब सब दुख, एक नहीं बचा, एक तो नहीं बचा, इसका नाम है मुनि भगवत की साधना। अपनी तरफ से कहते दृष्टि की साधना, पहले दृष्टि पक्की करो फिर परिणति में सब पक्की हो जाएगी, खत्म। स्वामी जी को बहुत ही बहुत उनका पूरा जीवन चेत पढ़ के सुन के देखना, आपको नहीं सुना होगा जिंदगी में कभी मत करना, एक बार सुन के देखो, इतना बोल्ड डिसीजन था जब पूरे श्वेतांबर खिलाफ थे और पूरे दिगंबर में से एक का भी परिचय नहीं था, केवल आचार्य कुंकुम का समय सार का परिचय था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का परिचय उस समय तक मिल चुका था, और भी 2-3 ग्रंथ दिगंबर मिल चुके थे, इसके सिवा उन्हें कोई परिचय नहीं, 15 साल तक कोई का ठिकाना नहीं था, अखबार में छप रहा था, तूफान मच रहा था, बहुत मच
पद पर टिके रहे थे। उनसे पूछा, साहब आपको चिंता नहीं हुई? कुछ हो जाता था तो स्वामी जी बोले, मुझे महावीर भगवान का शासन का भरोसा है। क्या शासन का भरोसा? शासन मैंने उपदेश देव दोनों, तो क्या भरोसा? ये भरोसा है, ये आयु कर्म बताया है महावीर भगवान ने, यदि 90 साल चलना है तो पर तो कैसे तो चलेगा कि 90 साल चलना है, मान लो आयु कर्म 8 कर्म बताया कि नहीं बताया महावीर भगवान ने, तो आयु कर्म बताया कि नहीं बताया, वेदनी कर्म बताया कि नहीं बताया, तो इस देह को जान के महावीर नहीं मिलता तो नहीं मिलता, मतलब देह छोड़ सकता हूँ लेकिन सत्य को नहीं छोड़ सकता। यार कैसे इसकी बात हो गई, कैसे धैर्य की बात ये ना। अब देखो कमाल देव 3 साल 3 महीना 3 दिन केवल एक नॉन जैन परिवार में, न दिगंबर न श्वेता, एक नॉन जैन परिवार ने 3 साल 3 महीना 3 दिन तक उन्हें आहार दिया। और वो भी गरीब था, सामान्य था, खेतून था, समय था खेतून मत समझते हो, किसान खेती करते, वैष्णव परिवार, वैष्णव जैन, अब वो गरीब परिवार। मुर्दे ने एक नहीं किया कि मैं इसका भोजन नहीं लू, इससे तब जो होने की जाएगी क्या करें, इतना बड़ा संकट, बहुत बड़ा संकट है एक प्रकार का। तो गुरुदेव ने एक ही प्रतिज्ञा की कि मैं एक दिन उपवास करूंगा और एक दिन आधा पेट भोजन करूंगा, आधा पेट भोजन और एक दिन का उपवास, यह सब कंटिन्यू चलता है। जैसे सत्य हाथ में जाता है उसे देह की परवाह नहीं होती, मुझे इतना भी नहीं लगता। पर आश्रय के सब दुख बिन से आज मैं जीने का। तो ये जीव चीज सुनना भाई, जिन्होंने नहीं सुना तो बिल्कुल बारंबार सुना, मैं तो समझता हूँ कह रहा था, मैंने कहा है उसमें वर्तमान का सबसे सुंदर प्रतिमा नहीं हो गया, इससे अच्छा कोई आइडियल प्रतिमा नहीं हो सकता जो वर्तमान में कोई आपको गाइड करे मोक्ष जाने के लिए। चलो अमन तो वापस आ जाओ, मैं इसलिए कह रहा था कि ये आत्मा कैसा है तो ये देह से भिन्न होकर देखो तब समझ में आएगा। अभी तो देह देह को देख रहे हो तो फिर टेंशन ही रही, कभी कह दिया था इसके आश्रय से विकल्प ही विकल्प हो गए। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है वो आत्मा दिखाओ तो सही, नहीं तो वही तो है, इससे भिन्न होकर देखो। अभी भी ऐसा लगता है 25 साल का नौजवान है और मेरा विजन है, मेरा फल है, जितने प्रेफर कर रहा है प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे डाल देता है और इसको मैं डाल देगा ग्रुप लाइन में। हाँ ठीक है, जैसे कई बार मुझे बड़ा दुख लगता है लोग भगवान आत्मा की बात सुनने के भी जो हैवी चल हो जाती है ना, हैवी चलने से मुझे तकलीफ है, मैं सुनते सुनते ऐसे पक गए कि मुझे पत्थर जैसे हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे लगता तब ये परमात्मा से समझ गए क्या। मैंने कोई असर भी नहीं पड़ता कि तुम भगवान होने, कितनी बड़ी बात है भगवान हुआ अपने तो फिर वही कहा आपने लिखी है, अरे लेकिन सीमंदर यही कह रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं कि कह रहे हैं तुम्हें परमात्मा से। हाँ बात तो सही है, निश्चय नहीं से कह रहे हैं, निश्चय जी तो रोक ही सकल रहा है तुम्हारे, अब आनंद नहीं आया तुम खोटा दस्तान देने की इच्छा हो गई, बहुत ही खोटा पति पत्नी को आई लव यू बोले तो हाँ मुझे तो आई लव यू नहीं इसका लिखा वो आई है सोच रही होगी, मैंने तो कभी बोला नहीं उसे प्रपोज क्यों किया,
जैसे अभी तक उसका चाल चलन तो ठीक दिखता है, लगता है नहीं हीरो मतलब कितना खो जाता है वो आदमी, कोई क्या देखता ऐसे तुम्हें कोई परमात्मा कह रहा है तो एक बार तो सोचो कहने वाले परमात्मा ने ये तो लिखा नहीं इसमें सुर केवली मणिदम केवली सुर केवली मणिदम तीन लोग के नाम तो भी परमात्मा कह के बुला रही और तुझे मां बात करो पहली आता तो स्थूल है और अच्छा तो मैं तो समझा ही सकता हूँ दृष्टांत देखे और फिर क्या कह सकता हूँ लेकिन थोड़ा ही छोटा दृष्टांत है उससे अच्छा मुझे अभी तो मिला नहीं कि मैं यही देखता हूँ एक लड़की सड़क पे से कदम उठाया था सड़क पे से इतना सा कागज पड़ा था कि टुकड़ा कैसे उठाया छोटा सा टुकड़ा था इतना था बिल्कुल इतना था मोड़ा थोड़ा कागज बिल्कुल आड़ा टेढ़ा कागज पड़ा था ऐसा तो उसने उस पर पेंसिल से तीन अक्षर लिख दिए और ऐसी गोली बनाई उसे लड़की को ऐसे मार के चली गई लड़की उधर लगी उठ गई पड़ी अब उसमें जो लिखा था समझिए वो लिखा था इसके बाद क्या होगा बता सकते हो इसके बाद कितनी बार खोल के पढ़ेगा कि मोड़ी मोड़ी कागज हर बार पढ़ने पर कितना नया नया आपकी भाषा में क्या कहो चार्ज हो जाता है वो बार बार रिफ्रेश हो जाता है और कोई दृश्य याद आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ फ्लैशबैक अब भोजन करते समय कहाँ इसका उपयोग उसी फ्लैश बैक में हंसने में बोलने में खाने में सोने में चलने में वो कागज हो सकता है संभाल के रखा रहे बच्चों को बताएगा तो जब दादा दादी बन जाएगा तब ये बेटा तेरी मम्मी का तेरी दादी का पहला आप पर बोल कुछ कह रहा हूँ समझ में आ रहा है जैसे पहली गाने यहाँ से पढ़ा सर्व भगवान ने ऐसे भेजी है आपके लिए आचार्य कुंकु सामने ऐसे लिखी है पन खंडानी में आपको पढ़ा खो जाओ बार बार देख देख कर खो जाओ मैं फिर कह रहा हूँ इसमें एक गाथा है कोई 14 नंबर की गाथा है जिसमें सुनो ही कर ध्यान जिसमें पढ़ने का मना किया है सोचने का मना किया है चिंतन करने का मना किया है कैसे कैसे मना ही किया कि हाँ मैं भगवान हूँ ये सोच मत पढ़ मत लिख मत रट मत लिखा मत कर तो क्या क्या लिख रहा है इधर मैंने नेगेटिव बोला क्या देखो अपने आप को आनंदमयी परमात्मा देख बेटा देख मम्मी कहती देख बेटा तेरा इसमें हित है हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं तो सुनने के लिए कह रहे हैं कि देखने के लिए कह रहे हैं बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई कर ये सब तुम्हारा हित है हम तुम देखो बेटा देखो तुम्हारा हित देख के कह रही बात पॉइंट पकड़ में आ रहा है देख देख माने आंखों का देखना नहीं पहले हम तो मना करते आंखों का देखना नहीं है अब फीलिंग है एक प्रकार की फीलिंग तो देख देखो तुझे ऐसा लगना चाहिए मैं मोक्ष जा रहा हूँ तो क्या बहुत मोक्ष जा रहा हूँ जाएगा हम पक्का जा रहा हूँ एक भजन आता था पहले सुना था बहुत पहले सुना था सीमंदर संदेशा के विदेश क्षेत्र से आया है कुंद स्वामी ने कहा तेरा आत्म अकेला संत कैसे गाया बहुत पहले 30-35 साल पहले गाया है कौन कौन स्वामी का तेरा आत्मा अकेला अभी भी अकेला ही तू परमेश्वर है सीमंत संदेशा है तू देख तो देखने भी जोर है देखना हम नहीं समझ आया पूछ लेना क्योंकि हम मुझे मालूम देखने में बहुत सारी सेलेक्ट है यदि मैं पहले दिन की प्रोसेस समझ में आ जाए तो कल कल सुबह ना तो पर सब जाएगा सियाद बात और नदी का इस सियाद बात में देखने की अनेक अर्थ दिए गए तो ये कहते हैं फीलिंग चलो आगे चलो अभी आप कितना सुंदर सुंदर शब्द है तो एक तो केवली सब केवली ने कहा इसका अर्थ अपने किया समझ पड़ा अब वो क्या कह रहे थे तो इसमें सिद्ध भगवान को नमस्कार किया रात की चर्चा से आगे कह रहे थे इसमें एक शब्द आया परिभाषण एक भाषण शब्द होता है एक भा...
भाषण एक परिभाषा शब्द होता है, यह परिभाषित किया है। एक शब्द होता है परिभाषा, संक्षेप में कहना हो तो परिभाषा होती है, और भाषण होता है तो उसका व्याख्यान होता है लंबा चौड़ा। यह परिभाषा शब्द आया है। अब यह परि शब्द है सब और से, हर एंगल से, परि समानता सब और से। सुन, हम तुझे सब और से तेरा सब आत्मा दिखाए, क्या कहना, हम तुझे सब और से तेरा शुद्धात्मा दिखाते हो, सुनाते नहीं है। आप ताकत समझो, ताकत आपके लिए लगी पड़ी, हम दिखाते हैं, सब और से दिखाते हैं। थोड़ा सा स्टाइल बता दें सब और से दिखाने की। हालांकि कल पहले चरण में लिया था सार, सार द्रव कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रही सार, वो दिखाते हैं आपको। पहले क्लास में चर्चा आई विस्तार से, और देख लेना द्रव कर्म नौ कर्म और भाव कर्म से रही ये सार है, वो दिखाते हैं आपको। दिखाते मतलब देखो, तो क्या क्या दिखाते हैं आप, परिभाषण। मैं उसका थोड़ा अर्थ बोलता हूँ सार दिखाने के लिए। सुनो, हम आश्रय तत्व की चर्चा करेंगे। नहीं नहीं, इस अध्याय में आश्रम नाम का अधिकार नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, इसमें आश्रम नाम का अधिकार है? आश्रम से भिन्न तू शुद्ध है, ये सार है, ये अधिकार है। अब तेरे पढ़ते पढ़ ली फिर से बोलता हूँ, समय सारी में बंद अधिकार है कि नहीं, बोलो। बंद अधिकार नाम तो बंद अधिकार है, नहीं हमें तो परिभाषण करना है ना सब और से, तो बंद की ओर से भी बता लेंगे कि तू अबंध स्वरूप है। पूरे पूरे बंद अधिकार का सार क्या कर रहा हूँ, परिभाषण। हम बंद की चर्चा भी तेरी महिमा के लिए कर रहे हैं। भगवान जी से दृष्टांत देते थे, आपने पद्म पुराण पढ़ा, पद्म पुराण अपनी भाषा में तो नाम आए, पद्म पुराण पढ़ा, पद्म पुराण पढ़ा तो पढ़ो बेटा, आप लोग प्रतिज्ञा कर लो, अपने पुराण भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना नहीं, ये सुनने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम चलेगा, थोड़ा पढ़ो। तो उसमें पूरा का पूरा जो पहला पार्ट है ना पद्म पुराण का, पहला पार्ट तो तीन वॉल्यूम है उसके, तो पहला वॉल्यूम, तो पहला वॉल्यूम रावण की महिमा से भरा पड़ा है। पहला पार्ट पार्ट वॉल्यूम पहला वॉल्यूम पूरा पूरा रावण की महिमा से भरा पड़ा है। कई बार तो आपको डाउट हो जाए कि मैं रावण पुराण पढ़ रहा हूँ कि राम पुराण, ऐसा डाउट हो जाए आप। तो बाबू भाई जी ऐसा कहते थे कि रावण की महिमा भी राम की महिमा बताने के लिए, रावण को पहले ऐसे नहीं बताया, बिल्कुल ढीला पिल्ला था, उसके सब पंचर थे, उन्होंने कोई काम के लोग नहीं थे, सब सैनिक बेकार थे, उसके पौरुष बेकार थे, उसकी बीवी सब बेकार थी, ऐसे नहीं बताया। सब एक से गिन कर लीजिए, सारी पत्नियां अपने पति से डरे बिना, रावण से डरे बिना, ये इतना विद्याशाली है, विद्याधर है, ये इतना सब कुछ है, तो मेरे को मार सकता है, सता सकता है, कमेंट्स कर सकता है, मुझे डाइवोर्स दे सकता है, लेकिन नहीं, निडर होकर के उसकी सारी पत्नियां इतनी बोल्ड थी, वो कहती थी नहीं, तुमने अपनी पति में कलंक क्यों लगाया, आपने कीर्ति उनकी चंद्रमा की रोशनी में चांदनी में तुमने सीता का नाम मत, सीता को मत अपनाने की कोशिश करो, सीता को रिटर्न कर दो। मैंने उसके मंत्री कहते थे, उसके विभीषण कहता था, उसके सब जितने, अब नहीं मानता था मैं, बाकी लोगों को अपने घर के सीता चलानी था, उनके सब खड़े रहते थे, लेकिन मैं हट गया, विभीषण को मैं हट गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं कहूंगा तो सत्य ही कहूंगा, भले तुम भरी सवाल में लात मार दोगे, तुम जो देखे तो करो, लेकिन कहूंगा सही। रावण के आप पढ़ के देखो पूरा पूरा वॉल्यूम, रावण की इंटेलिजेंसी से भरा है, रावण की भक्ति से भरा है, भक्ति भक्तिमान था वो, भगवान तो प्रति साधना भगवान की स्तुति की है, जोरदार इतनी जोरदार स्तुति की है, वो टूट गई, वो वीणा का तार, वीणा का तार टूट गया तो उसकी बॉडी में जो नशे होती है, नशे वो बहुत मजबूत होती है, तो उसने फौरन एक नस निकाली और वीणा में लगाई सेट करके, और फिर संगीत करके भक्ति गए,
तो उसकी इस भक्ति को देखकर वहां का यक्ष जो थे वहां के वो आगे प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले भगवान की भक्ति ने सब कुछ दे दिया, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब फिर उसे कह देंगे तुम नहीं मांग रहे तो हम तुम कुछ दे दे, तो दो चीज दे के चला गया। बोले हम भगवान भक्ति है कुछ नहीं चाहिए। बहुरूपी विद्या सिद्ध करते समय रावण शांतिनाथ जिनाले में 8 दिन तक अष्टांग करने बैठा रहा, निर्जल निर्जल बैठा रहा 8 दिन तपस्या करता रहा, बैठा रहा नहीं अष्टांग का था, युद्ध के टाइम की बात है, युद्ध चल रहा है नहीं नहीं अष्टांग का आगे क्या संधि संधि कर लेते ना 8 दिन अष्टांग का, तुम भी धर्मात्मा हम भी धर्मात्मा, राम लक्ष्मण तुम भी वहां जाकर अपने अष्टांग का करो, हम भी अष्टांग करते, लक्ष्मण से नहीं रहा गया, हनुमान से नहीं रहा गया, और जो कौन करते नहीं उपद्रव कर रहे, तो उपद्रव करने पहुंच गया लेकिन वो नहीं था पढ़ने लायक। लेकिन मुझे देखिए ना रावण का अधिकार भी क्यों लिखा था कि ऐसे प्रचंड ज्ञानी साहसी तपस्वी लेकिन एक जरा सी गलती करने वाले रावण को भी राम के सामने अकेले होने पर भी राम की सेना लेके थोड़ी गए थे, बल में राम के पास कितने बॉडीगार्ड थे, बल में कितने बॉडीगार्ड थे राम के पास, एक जिन्हें वो भी ना था, वो लक्ष्मण था, तो लक्ष्मण तो अपना काम करता रहता था, बैठता होता था जो उठते चले गए, अकेला तो रहना पड़ता है ना। सुना ऐसे राम से परास्त हुए, ऐसे सुना तुम्हें जिस राम की कोई महिमा नहीं आती, यदि हम रावण का पुराण ना लिखते ना एक वॉल्यूम तो तुम्हें रावण नाम ऐसे लगते मेरे बेचारे डब्बू डब्बू समझते ना दबने वाले, आजकल की भाषा में पप्पू लल्लू आजकल ऐसे शब्द चलते थे, तो कहते बेचारे सीधे सच्चे थे और केक निकलवा दिया और पिताजी के सामने कुछ कह नहीं पाए, उनकी जबान चली नहीं, बेचारे पंचम काल के लड़कों जैसे तो थे नहीं प्लीज कर देते हे क्या मदद है हमारा भी राइट बनता है चल के बेचारे, तो ऐसा लगता तो ऐसे महान रावण को राम ने पल भर में जीत मुझे तिलक रावण क्यों सुनानी पड़ी, बंद अधिकार मैंने रावण का अधिकार, इसकी पूरी डिटेल पढ़ना तो आग में पढ़ लियो, करना भी उसमें पढ़ लो आप डरा जाओगे बिल्कुल, ओ कर क्लॉज भी पढ़ लो पूरी 70 कोड़ा कोड़ी से लेकर के आप पढ़ोगे ना आप घबराहट मचे बिना नहीं रहेगी, इतना प्रचंड रावण जब ये अध्याय आए ना जिस दुनिया का अध्याय तो सुन तो भगवान आत्मा का आश्रय करते ही चला, तो बंद अधिकार में क्या की चर्चा करी, बंद की चर्चा नहीं की, बंद की परिभाषा नहीं बताई, बंद के भेद प्रभेद नहीं बताया, बंद के बारे में कुछ नहीं बताया। सुनो कैसा है अनादि का बंद जिसके बीच में रहता हुआ भी भगवान आत्मा हमेशा अबंध रहा, तुम अभी भी नहीं बंधे हो, उधर देखो जहाँ बंधे नहीं हो उधर मत देखो, उधर देखो जहाँ अभी भी बंध नहीं हुआ है, आत्मा को छुआ तक नहीं है, संपर्क करना नहीं है, अधिकार का सार बता रहा हूँ संपर्क करना नहीं है, उस आत्मा को जानते ही संपर्क ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, मोक्ष करना नहीं है, मोक्ष आपको आप थी जाए से क्या कह रहे हैं आपको आप मोक्ष अधिकार का वर्णन दे लेना, मोक्ष का कोई वर्णन नहीं किया उसने, पढ़ के देखो समय सार के साथ अद्भुत यूनिक ग्रंथ है, यूनिक इतना सुंदर ग्रंथ ना भूतों ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रियली कहना कर मेरे नजर में नहीं आया जिस जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं है, जो केवल तेरा गायन करता हो तेरी महिमा का गायन करता हो तेरी कीर्ति गा रहा हो, मोक्ष करना नहीं तुझे मुक्त है तू, ये बताने वाला मैंने एक गुरु भगवान आत्मा को बताने वाला पूरा पूरा ग्रंथ, चाहे वो कर्ता कर्म अधिकार है अकर्ता सिद्ध करेंगे, फिर से समझ गए रावण की महिमा क्यों की थी, बंद की महिमा क्यों की थी जिनागम में, कि तू डर जा इसके लिए नहीं की थी, तू दीनहीन पावर अनुभव कर इसके लिए नहीं की थी, बंद अधिकार की चर्चा सचमुच भयानक है, रावण जैसी बहुत भगवान है भगवान, बल्कि इसमें तो कलश लिखा है कलश द्रौपन जयी, जो बंद जीत करके तीन लोग को जीत कर जिसने मद में आकर के दम अखाड़ा
लेकिन वो आत्मा के सामने तड़प कांप के भाग गए। आए समझ में आ गई बात? ओ हो परिभाषा, परिभाषा का मतलब बताया मैंने, परिभाषा शब्द आया ना इसमें, परिभाषा मैंने सारे अध्याय में तुझे ही परिभाषित किया, मैंने सब और से तुझे ही बताया। तो देख देख मेरे पुराना दृष्टांत है जो मैंने जैन सिद्धांत विवेचना में दिया था, केवल याद दिलाने के लिए दे रहा हूँ, लंबा मुझे करना नहीं। और हो सके तो ये दृष्टांत पकड़ ले ना तो मोक्ष रूपी लोगे, इतना अच्छा दृष्टांत है। समय सारी पढ़ने के लिए, नियम साथ पढ़ने के लिए, अरे गवर्नमेंट साथ पढ़ने के लिए, करना नहीं पढ़ने के लिए, वो आपको दृष्टांत काम आएगा। क्यों? इसे पढ़ने के बाद दृष्टि बदल जानी चाहिए, कैसे बदलनी चाहिए वो दृष्टांत। तो लंबा दृष्टांत शॉर्ट कर दो, बचपन में आपने पढ़ा हुआ कहानियों में एक राजकुमार था, जब शादी के योग्य हो गया तो पिताजी ने कहा बेटा चित्रशाला में चले जाओ, वहां बहुत सारी लड़कियों के चित्र लगे हुए हैं, तुझे जो पसंद हो उससे शादी कर देंगे। पढ़ेंगे कैसी स्टोरी? मैंने तो उसको पढ़ा है, चंद क्या कहते हैं वो, अभी अच्छी किताब का नाम चंदन बता दूंगा बाद में, देख लेना एक उठा बच्चों की किताब आती थी ना, तो चित्रशाला में गया, एक चित्र के ऊपर पढ़ता पढ़ूंगा, पढ़ता पढ़ा हुआ था। तो उसने इसमें कौन सेटअप, इसे मत देख, बोले क्यों इसे मत देखना, इसे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। ऐसे कौन है जिससे शादी नहीं हो सकती? हटा, बोले भैया मत हटवाओ, पहले सैकड़ों राजकुमार इसके चक्कर में मर गए, तो अब वो सब सबको छोड़ के उसी को देखना चाह रहा था। उसने देखा तो देखा तो बहुत सुंदर थी, कहाँ मिलेगी ये राजकुमारी उसे बता दिया, वहां मिलेगी एक जादूगर ले गया है, और ऐसा 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 बहुत। आज तक मेरी बेटा कोई की शादी नहीं हुई, सब मर गए, लाख और लड़के मर चुके हैं अंदर। नहीं, यदि मैं राजकुमार हूँ, बलशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ तो इसी कन्या को पाऊंगा, नहीं तो मेरा जीवन निरर्थक है। दोनों का जीवन देख कितनी अधिक निरर्थक होता है ना, एक ना मिले इतने तो निरर्थक है, और तो सुसाइड कर लेते इस चक्कर। खैर चल दिया, रास्ते में बहुत डोगरी वाले मिले, फिर आखिर में डोगरी मिली, बेटा मत जा, जिन्हें को हड्डियां पड़ी, बहुत राजकुमार मर गए, हम जिंदगी से रह रहे, डोगरी हो गई हमें, मत जा, शॉर्ट करना मुझे। तो ना नहीं माता जी, आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं से पास हूँ, आशीर्वाद दीजिए, बेटा तुम इतने योग्य हो, विनय सी हो, सुंदर हो, नहीं मान रहे तो तुम जा ही रहे हो, एक काम करो, आज तक तो मैंने किसी को नहीं दी अंगूठी, नहीं दी अंगूठी तो मैं दे रही हूँ, ये तुम्हारी सुरक्षा है, और चल दिया। चलने के बाद रास्ते में एक भयंकर राक्षस आया, मुझे हार रहा था, पसीना पसीना हो रहा है, इतने वैसे अंगूठी की याद आई, बस अंगूठी देखते से गए और आगे चला। अब तो प्रसन्न हो गए, समय इंतजार हो चुका था, अब और आगे चला तो अब दो मिलेंगे, भयंकर भयंकर दो, पहले तो याद ही नहीं आई इसकी, उपशम समय कितना छूट गया, लड़ने लगा लड़ने लड़ते लड़ते तो याद आए डोगरी ऊँट की याद आए, देख दो ही गए, अब समझ गए, अच्छा आठ पढ़ 16 32 कहते आगे कहा उसको वो करने मिले। मुझे थोड़ी सी बात जो मैंने नहीं कही अब कह रहा हूँ कि जब वो पहली बार में विजय हुआ तो दूसरी बार में उसे घबराहट होगी कि नहीं होगी, है ना, तीसरी बार में चार मिले तो घबराहट होगी कि नहीं होगी, आठ मिले तो घबराहट होगी कि नहीं, ओहो अद्भुत 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 अद्भुत, इस अंगूठी को देखते से अब मुझे कोई खतरा नहीं, अब एक स्थान पर आकर के डबल डबल हो रहे थे ना, वो समझ लो एक हजार राक्षस आ गए चार तरफ, भयंकर लंबी लंबी चीज हो रहा, और अग्नियों के शोले भी करते फिल्मों में जैसे दिखाते थे एनिमेशन में, बताओ जी ये मिशन सफल दृष्टि हुआ कि नहीं, देख ले रही ऑल आउट, ये मुझे दृष्टांत दे दे, समय सारी की ऐसी ही अंगूठी है, जिनवाड़ी माता ने तुम्हें अंगूठी दे दी, बेटा समय सारी को बचा जाओ तो मोक्ष में मिलोगे, कोई कर्म नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, कोई टेंशन नहीं, तू अपने को ज्ञाय दे, क्योंकि सचमुच ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तुझे छू तक नहीं पाया,
जब बंद की चर्चा आए तो बंद अधिकार पढ़ो, बंद भगवान आत्मा सदा अबंध है, बंधा नहीं है। ऐसा तो आगम छूटा है क्या? नहीं छूटा नहीं है। प्राथमिक भूमिका में रावण की महिमा बताने के लिए सच्चा है, बंद की महिमा बताने के लिए, कर्मों की महिमा बताने के लिए, चार गति 84 का परिचय कराने के लिए सच्चा है। परंतु परंतु तेरे दो स्वभाव के सामने, दो स्वभाव के सामने बोलो, ऐसे बंद अधिकार पढ़ो, ऐसे आश्रम आ जाए तो आश्रम पढ़ो, निर्जर आ जाए तो ऐसे निर्जर पढ़ो, मोक्ष ऐसे। अभी मोक्ष के नाम पे भी आप टेंशन में जाते हो, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है मोक्ष की, तो भी टेंशन। पर पीछे अभी तो मैं पापी राग में बंधा हुआ हूँ, मोक्ष कब होगा, कितने भाव लगेंगे, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितने केस लॉन्च करने पड़ेंगे और कितने शरीर को सुखाना पड़ेगा, दिक्कत इधर देखता है ये करने का। सुना अंगूठी मिल गई, मोक्ष पर मेरा अधिकार है। एक बच्चा है युवल जी बाबू जी के बच्चे का बच्चा, युवल जी बाबू जी के बेटे का बेटा, जब बहुत छोटा था 5-6 साल का, बहुत मैं उससे, अब तो बहुत बड़ा हो गया, छोटा था तो मैंने कैसे बच्चों से बातचीत करनी आ रहा था मेरी, और आए 5 साल में तो मेरे पास आएगा तो वो मालूम उस समय क्या होता है, 5 साल की उम्र 6 साल की उम्र में, पंडित जी ये बहुत मुझे समझ में हो गया रहेगा, इतने छोटे बच्चे से मत सुनो 5 साल के, तो मजा तो आता है सर, तुझे कैसे मालूम कि तुम सभी दर्शन लेके रहे हो, पंडित जी हमारे हाथ में रेख रहा है सम्यक दर्शन। तो मेरे कहा तुझे कैसे मालूम कि तेरे हाथ में रेख है, कोई ज्योतिषी तो बताते नहीं, तो बच्चे ने बताया कि प्रदीप झांझरी है ना, प्रदीप झांझरी हमारे प्रदीप काका झांझरी वो आए थे, उन्होंने मेरा हाथ देख के बोला, और बच्चे को तो भरोसा हो जाता है बड़ों पर, मुझे उस दिन समझ में आ गई बच्चों के हाथ में एक बार जरूर देखना है। तब से मैंने हाथ देखना सीख लिया, मैं बच्चों को हाथ जरूर देखता हूँ, कोई बच्चे की कंप्लेंट आती है बहुत कंप्लेंट होती है, देखते थे ये लड़का तो गजब है, इसकी तो रेखा गजब है, ये पक्के में महापुरुष बनेगा। अरे अंदर क्या जा रहा है, हो सकता है उस बच्चे की जिंदगी और याद रह जाए, एकदम पलट जाए, यू टर्न मार ले को, अब वो बच्चा कभी आ गया ना 40-50 की, क्यों आप तो कह रहे महापुरुष बनेगा, पक्के में बनेगा, अभी लेट गाड़ी है थोड़ी बनेगा ही अब क्या। मैं उस बच्चे को देखने में गीत लिखा है, उस बच्चे के लिए उस समय गीत लिखा है, उसे सुनाया सभा में, नन्हे मुन्ने गाय तेरी दृष्टि में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चे बोला, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी दृष्टि में क्या है, दृष्टि में है क्या यक हमारा, हमने मुक्ति को बस में किया हमने मुक्ति को बस में किया ऐसी चर्चा है। जितने तो जितने 9 चैप्टर है उसमें 9 में भी आप देख लो निर्वाह किया है आपको, जब भी आपको लगे हम ही तो कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कब करेंगे, कैसे करेंगे, मोक्ष कब करेंगे, संग दर्शन कब करेंगे, रुक, टेंशन से पहले करते कर्म अधिकार पढ़। पंडित जी इतना बंद, अब बंद बंद अधिकार पढ़ अंगूठी है वो परिभाषा मैंने सब और से दिखाने वाली, सब ओर से सुरक्षित बताने वाली है, सब ओर से तेरी प्रभुता तुझे बताने वाली है, इससे बढ़िया क्या चीज है। परिभाषण हो गया, क्या करते बहुत सुंदर लिखा है, वे सिद्ध भगवान सिद्धत के कारण यह बनकर पड़ा था, साथ जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर है, प्रतिछंद के स्थान पर है, इस प्रतिछंद का अर्थ उन्होंने खुद लिखा है, मैं भी नहीं कर रहा खुद ही लिखा है, वो बहुत सुंदर जैसा है, क्या होता कि जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव, संसारी भव्य जीव, मोक्ष वाले जीव का विचार नहीं करेंगे सिद्धों का,
तो मुक्त की तो बात की, असंसार असंसार में भी दो प्रकार के जीव है, भाग्य और अभाग्य। तो अभाग्य को भी ऐसा विचार नहीं आएगा, अभाग्य को ऐसा विचार नहीं आएगा। कैसा वो इसे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। अभाग्य को ऐसा विचार नहीं, भव संसारी भव जीव चिंतवन करके, चित्तों का चिंतवन करके, एक उनको ध्यान से सुनना है, थोड़ी देर के लिए रीड करके सीधी कर लो, एकदम माल आने वाला है, मैं सीधा कैच करके तैयार हूँ, कैचिंग पोजीशन होगी ना फील्डिंग में ऐसे। देखो भव जीव चिंतवन करके क्या उनके समान अपने स्वरूप को ध्यान कर, उनके समान अपने स्वरूप को ध्यान कर उन्हीं के समान हो जाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया, हाईलाइट करने लायक, माणिक्य से लिखाने लायक, अलग से जन्म हुआ है, माणिक्य से लिखाने लायक लायक है। उनका चिंतन करके उन्हीं के समान अपना स्वरूप ध्यान कर उनके समान हो जाते हैं। बोलो जरा बोलो, उन्हीं का चिंतन करके उन्हीं के समान अपना स्वरूप ध्यान कर उन्हीं के समान हो जाते हैं। कुछ लाइन याद आ रही है आपको सिद्ध भगवान की? इसी लाइन के आधार पर ट्रांसलेट किया है अपने अभय जी ने, अभय जी ने, भवि जन तुम सम निज रूप ध्यान कर तुम सम हो असरी सिद्ध भगवान। हाँ, एक पहली गाथा भी ट्रांसलेट है ना उसमें, पहली गाथा भवि जन तुम सम निज करो ध्यान, बस करो सिद्धों का ध्यान करो, सिद्धों का ध्यान करो मैंने नहीं नहीं सिद्धों का ध्यान नहीं, सिद्ध के समान अपना ध्यान करो। और फिर क्या हो जाते हैं ऐसा ध्यान करने वाले, क्या हो जाते हैं उन्हीं के समान हो जाते हैं। कठिन नहीं ये बात, एकदम सरल सुगम है। आपको पता है ये अभी 26 जनवरी के दिन कितने लोगों को अशोक चक्र मिला, परम वीर चक्र मिला, फलाम मिला, एक मिला, ये काहे के लिए मिलता है? हर सैनिक जब सैल्यूट करता है ना उसको और देखता है उसको परम वीर चक्र मिला, फला चक्र मिला, तो उसको लगता है वो सब पे फोटो लगी रहती है वहां। और जब सबसे कठिन दौर आता है ना, जब मरना ही पड़ता है, तो कठिन दौर आता है तब उसका कैप्टन होता है, खड़ा होता है, इसको देख रहे इसकी स्टोरी सुनिए, तो उसकी स्टोरी सुनाता है, इसकी सुनिए इसकी सुनिए, आज सारे हिंदुस्तान को इस पर नाज है, वो बेचारा मर गया ये सुना रही है। लेकिन वो इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों भारत के सब कुछ, आज भारत भूमि ने एक बार फिर दुश्मन के ललकार लगाई, भारत की आज बोलो ऐसा करना पड़ेगा। पत्ते सारे में से ये खड़ा हो गया सर, आई एम रेडी। मैं अपने कर्मचारी को समझाता हूँ ये वाला दृष्टा जो अभी तुम सुना रहे हो, मैं उनको समझाता हूँ, आज देश के लिए जरूरत पड़ जाए तो तुम जाओ कि नहीं जाओ, कितना भाग्य की आज देश के लिए तुम्हारी कैसी जरूरत नहीं, तुम्हें अभी जाना पड़े ना, गुंडों से बचना पड़ रहा, न डॉन से बचना पड़ रहा, न स्मगलर से बचना पड़ रहा, न तयुवा से बचना पड़ रहा, न तालिबान से बचना पड़ रहा, न सलाइट से, अभी जरूर पड़ जाए तो देर दाम को लगाओ कि नहीं लगा, तो अपने लिए देर दाम को नहीं लगा सकते हम, तो गोली खाने के लिए नहीं कह रहे तुमसे, अनंत जन्म मरण मिट जाएगा। इसलिए जब भी आत्म कल्याण के लिए चला तो फुल्ली डिवोट होकर चला, सेन को भी याद करा, वे तो अपना शरीर तक खो देते हैं, जवान जवान लड़के पत्नी से दूर हैं, जवान जवान लड़के बच्चों से दूर हैं, मम्मी पापा से दूर हैं, और हमारे जब भी ब्रह्मचारी आता है मम्मी की याद आ रही बात याद आ रही तुमसे, तो सैनिक अच्छा है जो देश की रक्षा के लिए, अरे तू आत्मरक्षा के लिए इतना नहीं सोच पाता पंडित जी, हमारा भी तो कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य भले आदमी कर्तव्य इसका नाम थोड़ी आत्महत्या कर ले, तेरे दम तो खूब सेवा कर मरते दम तक, लेकिन इसलिए नहीं कि तू ब्रह्मचर्य छोड़ दे, ब्रह्मचर्य की सेवा नहीं कर सकते, खूब सेवा कर
पर ये कोई माँ क्यों समझते हो? पूरे हिंदुस्तान की जितनी महिलाएं सबको माँ समझ आती, सबकी सेवा करो ना, कितना मोह था, है ना, ताकत होनी चाहिए। नहीं अपनी वो अम्मा तो विद्या दृष्टि हो, इसकी तो कोई अम्मा दिख रही नहीं, समझ आया कि नहीं आ रहा? ब्लड रिलेशन ही जिसके लिए सर्वोपरि है वो विद्या दृष्टि है, सिना सब सोल रिलेशन, सोल रिलेशन है। कल विजय बोले हम तो अब दो साल तक आपको नहीं बनाएंगे, पहले अच्छा मकान बनाएंगे, कमरा बनाएंगे आपके लिए, तब बनाएंगे। मेरे मन ही मन आया, हमने दो साल जाने हम रहे नहीं रहे तो हम रहे नहीं रहे, कोई रहा नहीं रहा। अरे कौन जीवों में भगवान भाव से आते हैं? अभी जीवों के भाव से कहीं आना जाना होता है तो पहले ही मना कर दे कितना बड़ा रिलैक्स सेंटर है भाई साहब, ताकत जन्मती है, इतने कर्मों की मृत्यु होती खबर नहीं पड़ती, वीरस जगता है, कितनी सुंदर तम दी है भगवान। अगे पॉइंट नोट, भगवान का ध्यान कैसे करना, अपन कैसे करते, इसके भजन भी चला था कोई, मुझे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आप सात राजू ऊपर हो, मैं यहाँ हूँ, आप में मेरे में सात राजू की दूरी है वो है ना, तो रोता रोता भजन नहीं कैसे ना सुना होगा है वो। हे प्रभु तू मुझे वरदान आप ही दे, तू मने वरदान आप ही दे, जब कोई बसे छे त्या मने आप स्थान आप ही दे। इट का ही किया तो ठीक है, तो बात हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन तू मस्त हो जाए ना। मैंने कविता पढ़ी थी, कविता बहुत सुंदर कविता थी, नई दुनिया में बहुत साल पहले पढ़ी थी, 20-25 साल के हो गए सारे, उसने कविता पढ़ी थी तो उसमें सिद्ध भगवान की स्तुति की है उसने, तो कविता तो क्या उसी टाइप से लिखी जाती है लोग में, लेकिन उसने भगवान के नाम से लिखी, सिद्ध भगवान की वजह से भगवान लिखा। हे भगवान तुम मानो या नहीं मानो, तुम्हें प्रणाम करने पर मैं वहां नहीं रह जाता जहां पहले था। कविता है, हे भगवान तुम मानो या ना मानो, मैं प्रणाम करने के बल पर वहां नहीं रह जाता जहां प्रणाम करने के पहले था, ऐसी कविता है। और देखना एक दिन मैं अपने प्रणाम के बल पर ही आपके निकट आ बैठूंगा, और सना तब भी तुम मुझे आशीर्वाद ही दोगे या गले से लगा दोगे भगवान, जब मैं आपकी बगल में आ जाऊंगा तो आप तब भी आप आशीर्वाद दोगे या गले से लगा, गले से लगा मैंने एक अनेक हो जाते हैं, एक माई अनेक राजे, एक सिद्ध में अनेक सिद्ध हो जाते हैं, तो आप ऐसा करोगे या आशीर्वाद दोगे, मैंने ऐसी लंबी कविता है बहुत जोरदार लगी। ध्यान करो ध्यान, कल दृष्टांत दिया था, जैसे बच्चे डॉक्टर बनने की सोचते हैं ना, तो डॉक्टर को देखते से कुछ मजा आता है, ये देखना सीए को देखते से लगता है वो ऐसा ही ऐसा ही, ऐसे भगवान को देखा देखते ही संसारी भव्य प्राणी आपके समान ध्यान करके अपना ध्यान करके, ए सिद्ध का ध्यान करना लिखा गया, सिद्धों का ध्यान करना, ज्ञानवर्धक ग्रंथ में रूपातीत ध्यान में सिद्धों का ध्यान लिखा है, रूपातीत है ना, रूपातीत तो सिद्ध भगवान का ध्यान लिखा है, तो क्या कैसे करना, उसी को पढ़ रहा वो अपनी आत्मा में सिद्धों जैसी स्थापना करके अपने को सिद्ध जैसा अनुभव कर, उसी में लिखा है। तो यहाँ देखो अब उनके समान अपने स्वरूप को ध्यान कर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति मोक्ष को पाते हैं, मोक्ष को पाते हैं, मोक्ष करते हैं लिखा है, पाते हैं लिखा है, करते हैं कि पाते हैं, पाते हैं, वह पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है, चार गति विभाव से उत्पन्न हुई है, चार गति आत्मा की विराधना से उत्पन्न हुई है, इसलिए वे सब क्षणिक है, क्योंकि विराधना भी क्षणिक है, आराधना शाश्वत है, आत्मा शाश्वत, आत्मा की आराधना शाश्वत, तो आत्मा की आराधना से उत्पन्न होने वाला मोक्ष भी शाश्वत। आप सबको डरा
सुनो, तुम्हारा बिजनेस शासन नहीं चलेगा, तुम्हारे शरीर का शासन नहीं चलेगा, क्योंकि विराधना के बल में हो रहा है, कुछ हो रहा है ये विराधना के बल में, तुम्हारे रिलेशन खराब रहेंगे, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि आत्मा की विराधना शाश्वत नहीं है। लेकिन 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 आत्मा शाश्वत और आत्मा की आराधना शाश्वत, तो आत्मा की आराधना से स्वभाव से उत्पन्न हुई मोक्ष भी शाश्वत है। तो कई लोगों का भी समय का समय भरा होगा, कौन ने देखा मोक्ष, और पांच छह दिन की बात है, सुन लो भैया मम्मी ने बुलवा की, अपन तो मस्त थे वैसे, कई लोग ऐसा लगता होगा। ठीक है भाई, सुन लो अपना धर्म है, अपनी जिद मानी है, और किसी का तो जिंदाबाद कह नहीं सकते, कहना भी सुनिए जिंदाबाद पड़ेगा, चलो सुन लो, नहीं तो नहीं समझा। आप लॉजिक पूछो ना, मोक्ष किसने देखा बता रहे, मोक्ष किसने देखा, नरक किसने देखा हमसे पूछो बता रहे, नरक किसने देखा बता रहे, आप देखो पढ़ो देखो बिलीव करो, शाश्वत सुख चाहते हो, शाश्वत सुख मिलेगा आपको, क्योंकि स्वभाव से उत्पन्न होने वाली चीज शाश्वत होती है। क्यों सूरज कब नष्ट हो जाएगा, लोग कहते हैं जब हम रहे ना रहेंगे सूरज तो पूरा चमकता रहेंगे, तो आप किसके बल पर कहते हो, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे आत्मा यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो नष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसे पढ़ाने के लिए मैं आपको नहीं पढ़ाता, लेकिन आप चाहो ना तो मेरे चार अभाव के प्रोसेस हो, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ पर है वो चार अभाव, बिल्कुल आपको नेचर के नजदीक ले जाएंगे, आपको विश्वास जगेगा, आपको डीएनए का भरोसा है, डीएनए की बात है इसमें भरोसा है, आपको जीन्स मॉडिफिकेशन के बारे में आपको कंफर्म विश्वास है, मोबाइल के बारे में आपको कंफर्म है, भले करोड़ों में अरबों में खरबों की डीलिंग ऑनलाइन हो रही है, और कैसे भरोसा हो जाता है आपको, आप यहाँ से वो करते हैं, जो जानता हूँ तब बोलता हूँ, मेरा काम तो पढ़ा नहीं था ऑनलाइन, आज तक नहीं किया कुछ, लेकिन सुनता टिकट करते हैं, टिकट रेल टिकट ले गया, अब डन हो गया, अपने पैसे तो कट गए पर टिकट आया नहीं, नहीं जाते हैं सर, आपके मोबाइल पर टिकट आया नहीं और पैसे कट गए, अपने आप ने डन कर दिया, पैसे घबराहट नहीं होना चाहिए क्या, तो मुझे घबराहट नहीं थी, अपने पैसे तो कट गए, अब समझ लो अरबों रुपए के पैसे कट गए, अरबों रुपए और टिकट वो आए नहीं अभी, तो अभी लोग मिशन समय नशी तरीके ने पंडित जी ट्रैफिक में है, तुम देखा ट्रैफिक, आपने ट्रैफिक देखा है, ऑनलाइन ट्रैफिक ना होता है, ले गजब है, मैंने पहली बार सब सुना ऑनलाइन भी ट्रैफिक होता है। कल इन्होंने इस मोबाइल से उतना मोबाइल कुछ डाला है, मैंने कल नहीं कुछ डाला, तो इसमें तो चला गया, इसने तो कह दी फ्रेश कोई इधर आए नहीं, फिर वो ऐसे ऐसे जन जन करा हुआ, तो धीरे धीरे करीब 5% 10% ऐसे तब फिर अभी वो पूरा डाउनलोड हुआ, मैंने देखो कितना भरोसा है, इधर से चला भी गया वो तक आ जाए, ये ट्रैफिक क्या चीज होती, तुमने देखा है ट्रैफिक, सिद्धू भगवान के बारे में पूछती हो, आठ कर्म के बारे में पूछती हो हमसे, हम तो प्रूफ देंगे आपको, लेकिन सोचो आज का जमाना इनविजिबल पर चल रहा है, खरबों रुपए की एंट्री हम इनविजिबल है, और तू इनविजिबल आत्मा की सत्ता नहीं मान सकता, तू परमाणु की सत्ता मान सकता है, मुझे कितने कितने काम हो रहे उनकी सत्ता मान सकता है, तुझे अपने ही भगवान का भरोसा नहीं, मतलब विश्व का सबसे मोटा आश्चर्य मिथ्या दृष्टि, क्या बोल रहा हूँ, विश्व का सबसे मोटा आश्चर्य मिथ्या दृष्टि, मुझे इतनी दया आती है देख करके, जैन शासन अकेला ऐसा शासन है, जैन शासन जो तुझे 24 घंटे तेरी महिमा बताती है, तेरी प्रभुता बताती है, और कोई नहीं बताता, पढ़ लेना आप कहीं जाकर पढ़ लेना, कोई भी धर्म कोई भी संप्रदाय तुझे तेरी महिमा नहीं बताता, केवल एक जैन शासन ऐसा है, तुझे प्रभुता बताता है, तुझे निर्दोष बताता है, तुझे न्याय बताता है, तुझे परमेश्वर बताता है, और फिर भी कहता है प्रमाण दो सबूत दे, विश्वास नहीं आता, का विश्वास नहीं आता कि मैं महान हूं, यूनिक हूं, भगवान आत्मा, इसका विश्वास नहीं आता, तो चले आप लोग मिलेंगे तो मेरे कहेंगे तू तो बेचारा दीन ही है,
तू पाँव मारता है, हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है तुम ठाकुर की सेवा करते रहे, ठाकुर को खुश करते रहे ना, बिठोवा को खुश करते रहे ना, और फिर खुश हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तुझे बैकुंठ में ले जाएंगे, बैकुंठ में क्या करना, ठाकुर करना नहीं सेवा करते रहे। इट इज द एंड एंड ऑफ स्टोरी है, क्या करोगे अनंत काल तक, अरे वाह भगवान के चरण पकारे बस, बहुत बड़ा ग्रेट भाग है तेरा, अरे तू चरण पकारेगा, हम तो तुझे भगवान ही बना रहे, प्रमुख प्रमाण दो देंगे प्रमाण, पूछ लेना और नहीं तो पढ़ लेना, मैं चाहता हूँ आप पढ़े सुने, मैं कहाँ तक प्रमाण दूंगा आप कोई भी आदमी को, इसलिए आप पढ़ना जरूर पढ़ना सच, अब हम इतना ही कह सकते विश्वास कर तू परमेश्वर है, अभी नहीं आ रही चेहरे रोमांच नहीं आ रहा, अरे मेरे को कई बार किसी ने परमेश्वर का आया तो रोमांच ही नहीं आ रहा, वो तीन अक्षर वाला जैसे आई कभी बोलती है ना फिल्मों में तो कितना संगीत बजता है धड़ा धड़ हो गया सर पूरा रोम रोम खोल के बज जाता है क्या, मुझे तो अपनी बात के लिए सर लोगों का अभी असर रहता पढ़ नहीं सकते क्यों कह रहे समय तो हो गया लेकिन मैं क्या क्या छोड़ देता हूँ, इसके लिए एक घंटे का प्रॉब्लम सुन लेना, भावी नैगम लय एक ग्रंथ में लय है, भावी नैगम लय याद ही होगा आपको सबको याद हो, 2014 के पहले का दृश्य अमेरिका ने पहले डिक्लेयर कर दिया था चुनाव से पहले कि नरेंद्र मोदी भविष्य के प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, अब काय के बल पर करते होंगे उनकी सब खुफिया रिपोर्ट और जैसा होता है पूरे तंत्र होता है उनका उन्हें पहले कहते थे, आप धीरे धीरे आप देख रहे हो राजीव गांधी की चेहरा आनंदमय होने लगा, तीन स्टेट जीतने के बाद से काम लगता है कि मैं जी देखो तीन जीता के बल पर जीता है, ये रोमांच काय के बल पर आता है ना, तुम्हें भविष्य तुम्हें प्रधानमंत्री दिख रहा है वो कहता है मुझे वर्तमान में भविष्य का प्रधानमंत्री बना दिया गया है, जैसे हम तुमसे कह रहे एक बार ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करो, कोशिश करूंगा कि आपके स्वभाव के बाद फिर ध्रुव समझा दे, वैसे मैंने समझा दिया इशारा करके आप पुराने प्रोग्राम सुन लो तो आपको मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो फिर समझा दूंगा एक बार, फिर ध्रुव नहीं समझ में आया तो फिर वही जाएगी पता नहीं कहाँ आ ध्रुव कह रहे पर एक बार कह रहे आत्मा आत्मा ऐसा कोई जादूगर चमत्कार की आत्मा कभी होता होगा पता नहीं आपको बताएंगे, अब मैंने बहुत टटोल के देखा मिलेंगे अभी तक दिनता तक तो है नहीं, तो यदि ये प्रश्न प्रॉब्लम हो तो मुझे लिख के दे दो या तो या फिर तुम समझ लो, समझ गए हो तो सारा नहीं समझे तो समझा, जब मुझे मालूम पेंट पहली है कि समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, करेंगे इसकी चर्चा और